मुझे क्यों बोल रहे हैं, कोई दे नहीं रहा है अच्छा प्रोजेक्ट यार। मेरे तीनों मीडियम्स चलते हैं, थिएटर, टीवी एंड फिल्म्स। तो अभी मैं पिछले एक साल से बहुत सारे प्लेस भी कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ धर्म दुबे, आप देख रहे हैं हिंदी रश, और इस वक्त मेरे साथ है बहुत ही खूबसूरत देलनाथ। थैंक यू। हाय, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? देखिए, मैं तो आपसे बहुत नाराज चल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ आपके फैंस भी आपसे बहुत नाराज है। क्यों? आप हैं कहाँ, क्यों नहीं आती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा, कोई मुझे क्यों बोल रहे हैं, कोई दे नहीं रहा है अच्छा प्रोजेक्ट यार। अभी आपसे बात कर रही हूँ तो शायद कोई देख ले। नहीं, लेकिन क्यों, आखिर आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं और आपका ये तो मैं पूछना चाह रही हूँ मेकर्स से कि मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ और यू नो अभी इतने सारे अलग रोल्स भी कर सकती हूँ। सब लोग जानते हैं कि कॉमेडी के अलावा भी, बट ऐसा कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आया ही नहीं है, तो इट्स आई डोंट थिंक इट्स माई फॉल्ट एज एन आर्टिस्ट। तो हम यहाँ हैं काम करने के लिए ही है, एंड किसी को ट्रबल भी इतना नहीं करती। अच्छा, तो पता नहीं, रियलिटी शोज वगैरह हैं। हाँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आ रहे हैं, और आपकी ही बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपकी उनसे बातचीत नहीं हो पाती है जो प्रोड्यूसर के तौर पे? कौन है? जैसे कि एकता की बात करें, या हाँ। और भी कई ऐसे हैं जिससे आपकी बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता है, बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आप ऐसे कॉल करके उनसे कि भाई क्यों नहीं? देखिए, ये अगर करना होता तो बहुत साल पहले भी मैं कर लेती। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड के आपका काम बोलना चाहिए, ना कि कोई और दूसरी चीज़ें। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ये कहूँ तो बहुत सारे शोज़ किए भी हैं। मेरा लास्ट शो एक दीवाना था, उसके बाद पार्टनर्स था जो सब टीवी पे था। एक चीज़ ये भी होती है कि ऑडियंस के पास इतनी चॉइस है, जो जिस सीरियल में मैं आती हूँ शायद आपने वो नहीं देखा है, तो आपको ये भी लगेगा कि अरे यू नो। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप स्टार प्लस का शो कर रहे हो तो आप दिख रहे हो, बाकी चैनल्स का शो कर रहे हो तो आप नहीं दिख रहे हो, ऐसे भी होता है। क्योंकि 3.5 साल तक मैंने एक बहुत ही पॉपुलर शो किया जिसका नाम था अकबर बिरबल। वो बिग मैजिक चैनल नाम का एक नया चैनल था, तब आया था। एंड तो यही बोल रही हूँ कि इंटीरियर्स में बहुत सारे लोगों ने देखा है, मेट्रोज में शायद नहीं देखा है। तो ऐसी बातें हो जाती है कभी कभी आर्टिस्ट के साथ, लेकिन मैं अपने आप को बिजी हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मेरे तीनों मीडियम्स चलते हैं, थिएटर, टीवी एंड फिल्म्स। तो अगर कभी फिल्म्स में ब्रेक हो गया या कभी टेलीविजन में ब्रेक हो गया, तो ऑब्वियसली थिएटर है यू नो फॉर मी टू एंजॉय एज एन आर्टिस्ट। तो अभी मैं पिछले एक साल से बहुत सारे प्लेस भी कर रही हूँ। वेब सीरीज भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, आपने उस तरफ रुख करने का सोचा? मैंने एक वेब सीरीज की है जिसका नाम था वर्जिन विमेन डायरीज, बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज थी, डायरेक्टर कबीर सदानंद ने बनाई थी, एंड बहुत ही अच्छी चली। एक शॉर्ट फिल्म की है जिसका नाम है माई मदर्स वेडिंग, वो भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। जिन्होंने नहीं देखी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़रूर देखे, यूट्यूब पे है माई मदर्स वेडिंग। एंड उसमें बहुत ही अलग किस्म का रोल किया है मैंने, तो जिनको लगता है कि ये सिर्फ कॉमेडी कर सकती है, तो उनको माई मदर्स वेडिंग में ये एहसास हो जाएगा कि नहीं, डेलनाथ कैन डू वेरियस अदर रोल्स ऑल्सो। तो एक वो थी, और एक और भी एक मैंने हाल ही में एक मराठी फिल्म की है जिसका नाम है मॉनसून फुटबॉल। सो या लाइक प्रॉबली लोगों ने टीवी पे रीसेंट टाइम्स में मुझे नहीं देखा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम यू नो एकदम से बंद कर दिया है, या डिफरेंट चीज़ें हो रही है। एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, मराठी मेरी लैंग्वेज खैर इतनी मैं शुद्ध नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में रही हूँ, मुंबई में रही हूँ, काम चलाओ तो काम चलाओ मराठी मैंने बोल दिया फिल्म में। सो बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी। ओके, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो सवाल थे उसके जवाब मिल ही चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए डेलनाथ हैं, और इन्होंने साफ तौर से अपनी बातें जो हैं आपके सामने रखी हैं। इनसे कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपके जवाब आप तक पहुंचा दें। बने रहें हिंदी रश के साथ। नमस्कार।